टीम इंडिया से रिलेटेड आई इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता चले कि फाइनली इंडियन क्रिकेट टीम में गौतम गंभीर एज अ हेड कोच शामिल हो चुके हैं। और साथ ही गौतम गंभीर ने टीम इंडिया में शामिल होने से पहले वो चार बड़ी शर्तें रखी थी जय शाह के सामने। तो वो चार बड़ी शर्तें क्या है, वो चार बड़े रूल गौतम गंभीर क्या लागू करने वाले हैं, बताएंगे इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले बता चले कि टीम इंडिया की कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए क्रिकेट फैक्ट 2.7 को सब्सक्राइब कर ले। बात करें गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर ये वही है जो 2011 के वर्ल्ड कप, 2027 के वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के लिए बेहतरीन महत्वपूर्ण पारी खेल के टीम इंडिया को चैंपियन बनाया था। साथ ही गौतम गंभीर की बात करें तो गौतम गंभीर ने 2011 के आईपीएल और 2014 के आईपीएल एज अ कैप्टन कोलकाता नाइट राइडर को चैंपियन बनाया था। वो गौतम गंभीर की बात करें तो गौतम गंभीर ने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर में एज अ मेंटर शामिल होकर कोलकाता नाइट राइडर को चैंपियन बनाया। तो इसी वजह से कोलकाता नाइट राइडर के गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बना दिया गया है। साथ ही गौतम गंभीर की चार बड़ी शर्तें की बात करें तो गौतम गंभीर का कहना है कि गौतम गंभीर चैंपियन ट्रॉफी के बाद एक नई टीम तैयार करना चाहते हैं 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। वही गौतम गंभीर की दूसरी बड़ी शर्त की बात करें तो गौतम गंभीर चाहते हैं जॉन्टी रोच को टीम इंडिया में फील्डिंग कोच शामिल करना। और गौतम गंभीर की वहीं तीसरी बड़ी शर्त की बात करें तो गौतम गंभीर का मानना है कि टीम इंडिया की टेस्ट और T20 और ODI सभी की अलग अलग टीम होनी चाहिए। वहीं गौतम गंभीर की चौथी बड़ी शर्त की बात करें तो गौतम गंभीर का कहना है कि जितनी पावर चेयरमैन के पास होगी टीम इंडिया के लिए उतनी पावर मेरे पास भी होना चाहिए कि टीम इंडिया को मैं एक बेहतरीन टीम बना सकूं। तो गौतम गंभीर के आ जाने से टीम इंडिया कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दें। जब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।